गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक हमने असान दशमलव और असान दशमलव के बारे में सीखा था। आज हम कल तो ये सीखा था कि हम परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे बदलते हैं, और अब ये देखेंगे कि दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना, कि दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदला जा सकता है। परिमेय संख्याएं दो तरह की होती हैं, शांत और अशांत। इस साल जो तुम सीखोगे 8th में, वो शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में व्यक्त करना ये आप सीखोगे। जब 9th में आ जाओगे फिर अशांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में चेंज करना वो 9th में सीखोगे आप। तो ये टॉपिक है आपका दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। फर्स्ट है इसका जो हम सीखेंगे, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। अब ये इसमें उदाहरण दिया हुआ है कुछ दशमलव संख्याओं 0.15, 1.5, 0.625, 12.05, 2.125। दशमलव के बाद के नंबर को अलग अलग बोला जाता है, 2.125 को परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो अभी तक तुम लोगों ने जो पढ़ा था वो इकाई, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा ये चीज़ पढ़ी थी, लेकिन अब दशमलव संख्या आ गई है तो इकाई दहाई सैकड़ा तो ऐसे लिखा जाएगा, हम इस तरफ को लिखते थे, इधर दशमलव बिंदु इकाई के अगला जो पार्ट है वो दशमलव बिंदु, उससे अगला कॉलम दशांश, फिर शतांश, फिर सहस्रांश, यह दशमलव लग गया। दशांश मतलब दसवां हिस्सा 1/10, शतांश सौवां हिस्सा 1/100, सहस्रांश हजारवां हिस्सा 1/1000। इकाई में 1 लगता है, दहाई में 10 और सैकड़ा में 100, ये तीनों तो अपने पढ़े हुए हैं इकाई दहाई सैकड़ा। अब ये पहला उदाहरण है 0.15 डेसिमल, ये है डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल लग गया, दशमलव बिंदु के नीचे डेसिमल लग गया, उससे पहले 0 है तो डेसिमल से पहले 0 इकाई वाले खाने में आ जाएगा, फिर डेसिमल के बाद 1 है, डेसिमल के बाद 1 दशांश वाले खाने में आएगा, मतलब दसवां हिस्सा, और 5 है फिर उसके बाद, 1 के बाद 5 है तो ये शतांश वाले खाने में आ जाएगा। इसी तरह से 1.5 डेसिमल है तो डेसिमल लगा दिया हमने, डेसिमल से पहले 1 है, डेसिमल से पहले 1 इकाई वाले खाने में आ जाएगा, ये डेसिमल के बाद 5 है, डेसिमल के बाद 5 दशांश वाले खाने में आ गया, ये 0.625, ये भी आप सारे कॉपी में करोगे, 0.625 डेसिमल, इससे पहले 0, 0, इसके बाद 6 है तो 6 लिख दिया डेसिमल के बाद 6, दशांश वाले खाने में आ गया, फिर 2 है शतांश वाले खाने में, फिर 5 है सहस्रांश वाले खाने में, फिर 12.05 पॉइंट है, ये पॉइंट लग गया, इससे पहले 2 और 1, ये पूरा 12 बन गया, डेसिमल से पहले 2 और 1 इकाई दहाई, डेसिमल के बाद 0.5 है तो बाद में 0 और 5 लगा दिया हमने। तीसरा है 2.125, पॉइंट को पॉइंट के नीचे सारे पॉइंट एक ही जगह लगेंगे, पॉइंट से पहले 2 आ गया और पॉइंट के बाद 1, फिर 2, फिर 5, दशांश वाले खाने में 1, शतांश वाले खाने में 2 और सहस्रांश वाले खाने में 5। तो ये आप पूरा टेबल बना लेना कॉपी में अपनी। अब है 0.15 सॉल्व करना, 1 अभी तुमने देखा दशांश के नीचे आया था, ये दसवां हिस्सा हो गया तो 1/10 कर दिया,
पाँच शतांश, पाँच के नीचे सौ, पाँच के नीचे सौ। अब इसको यहीं कहीं इस ऐसे थोड़ा सा मत करना, एक बटे दस प्लस पाँच बटे सौ, सौ एलसीएम ले लिया यहाँ दस आ गया प्लस पाँच पंद्रह बटे सौ। इसको ऐसे अपने तरीके से सॉल्व करना, ये तीन बटे बीस आ गया इसका आंसर। एक पॉइंट पाँच, एक इकाई है, एक इकाई तो एक रहेगा, पाँच दशांश दसवां हिस्सा, तो पाँच बटे दस। अब एक प्लस पाँच बटे दस, यहाँ से इसको कट कर दो, तो इसको मैं कॉपी में करके दिखा रही हूँ, जीरो पॉइंट वन फाइव, वन क्योंकि डेसिमल के बाद है, वन दशांश पाँच शतांश, दशांश में एक बटे दस और शतांश में पाँच बटे सौ, एलसीएम ले लिया सौ आ जाएगा, तो दस यहाँ आ गया पाँच ये आ गया पंद्रह बटे सौ, ये काटेंगे इसको तीन बटा बीस आ जाएगा, दोनों पाँच से कटेंगे, पाँच से पंद्रह और पाँच दो दस पाँच जो जोड़ तीन बटे बीस इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है वन पॉइंट फाइव, वन इकाई प्लस पाँच दशांश, एक प्लस पाँच बटे दस दशांश है। अब इसको यहीं कहीं काट दो, पाँच का पाँच, पाँच दोनी दस, एक प्लस एक बटा सौ। अब जब इनको इकट्ठा करेंगे हम, ये है वन प्लस वन अपॉन टू हो गया, इनको जब इकट्ठा करेंगे तो प्लस साइन हट जाएगा, एक सही एक बटे दो। इसको सॉल्व करेंगे, टू वन द टू प्लस वन थ्री, तो थ्री अपॉन टू इसका आंसर आ जाएगा। इसका प्लस हट जाता है, वन प्लस वन अपॉन टू, तो ये हो गया कि टू वन द टू प्लस वन थ्री अपॉन टू इसका आंसर आ जाएगा। जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव, छः दशांश प्लस दो शतांश और पाँच, डेसिमल के बाद है इसलिए छः दशांश हो गया, दो शतांश हो गया और पाँच सहस्रांश हो गया। छः दशांश है तो छः बटा दस, दो शतांश है टू अपॉन हंड्रेड और पाँच सहस्रांश है पाँच बटा सौ। अब इसका सॉरी हज़ार, दस सौ और हज़ार, इनका एलसीएम हो जाएगा एक हज़ार, ये हो गया हज़ार को दस से भाग करेंगे सौ आएगा, सौ छः छः सौ प्लस सौ ये दस आ जाएगा बीस आ गया, ये एक हज़ार वन एक हज़ार और एक को पाँच से गुणा करेंगे पाँच, ये आ गया आपका छः सौ पच्चीस अपॉन एक हज़ार। काटते हैं इसको, पाँच कम पाँच, पाँच दो दस पच्चीस, पाँच दिन दस जीरो, फिर से काटो पाँच से, पाँच दस पच्चीस पच्चीस, पाँच चौक बीस, पाँच फिर काटो पाँच से, फाइव फाइव द ट्वेंटी फाइव, फाइव एट द फोर्टी, आंसर आ गया इसका फाइव अपॉन एट। आपको कटिंग भी ऐसे शो करनी है, पहले आप ये वाला टेबल बनाओगे और उसके बाद सारे सॉल्व करोगे, इकट्ठा टेबल बना के और फिर जैसे मैंने सॉल्व करें वैसे सॉल्व करोगे। अब है बारह पॉइंट जीरो पाँच, तो ये डेसिमल से पहले इकाई होता है, ये दहाई होता है, तो क्या लिखेंगे, एक दहाई प्लस दो इकाई प्लस जीरो दशांश दशांश प्लस पाँच जीरो दशांश पाँच जीरो दशांश प्लस पाँच शतांश। अब एक दहाई, एक को दस से गुणा करना है, दस आ गया, दो इकाई है दो आ गया, जीरो दशांश है जीरो बटे दस और पाँच शतांश है पाँच बटे सौ, बारह प्लस पाँच बटा सौ, यहाँ पे काटो पाँच का पाँच, पाँच दस जीरो, तो बारह प्लस एक बटा बीस, जीरो अपॉन दस, तो यहाँ पे लिख जीरो अपॉन दस, इसको जीरो को किसी भी नंबर से भाग करोगे जीरो ही आता है, इसलिए जीरो यहाँ से हट गया, ये हो गया बारह सही एक बटा बीस। सॉल्व करेंगे, बारह को बीस से गुणा, दो सौ चालीस और एक दो सौ इक्यालीस अपॉन बीस। यहाँ पे आप एक स्टेप और बढ़ा लो, दस और दो बारह प्लस जीरो को दस से भाग करोगे जीरो प्लस पाँच बटे सौ, ये स्टेप और साथ में बढ़ा दो आप।
जीरो बटे दस को शो करना पड़ेगा हमें कि ये जीरो आता है। नेक्स्ट है 2.125, तो दो इकाई हो गई ये, प्लस एक दशांश, प्लस दो शतांश, प्लस पाँच सहस्रांश। अब दो को तो दो लिखोगे, प्लस 1/10, 2/100, 5/1000। इस दो को अलग रखते हैं, इन तीन को सॉल्व कर लेते हैं, 1/10 को, 2/100 को और 5/1000 को। यहाँ 2 प्लस, यहाँ पे लिखो 1000, 1000 को 10 से भाग करोगे 100 आता है, 100, 1000 को 100 से भाग करोगे 10, 10 तो ना 20 प्लस 5, ये हो गया 2 प्लस। अब ये 100, 125, 125/100। अब इधर 1000, इसको काटेंगे, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 0, 0। अब 25 का टेबल, 25 का 25, 25 अठे 200, तो ये हो गया 2 + 1/8। आठ इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, 2 होल, बस प्लस का साइन हटा दिया, 2 होल 1/8, तो ये हो गया 17/8, इसका आंसर आ जाए। अब है एक्सरसाइज 1K, अभ्यास 1K, ये शुरू करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट हैं इसके, ये शुरू करते हैं। निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में अंकित कीजिए। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 0.35, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 + 5 % हो गया 3/10 + 5/100, एलसीएम हो गया इसका 100, तो 10 × 10 = 30, 100 × 100, 1 से गुणा करेंगे 5 को, 35/100, 720, 7/20 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 0.750, तो ये 7 + 5 % + 0 = 0 7/10 + 5/100 + 0/1000, तो 0 को किसी भी नंबर से भाग करोगे 0 ही आता है, तो ये 7/10 + 5/100, यहाँ पे लिख दो 0/1000 = 0। अब ये एलसीएम लेते हैं हम इसका, 100 10 10 आ जाएगा, 10 × 70 + 5, ये हो गया 75/100। 5 से भाग करो, नीचे ही 5 से करो, फिर से 5 से करो, तो ये आ जाएगा 3/4 आंसर। अब है 2.15, डेसिमल से पहले 2 है, तो ये हो गया 2 इकाई, डेसिमल के बाद 1 है, 1 दशांश, और फिर 5 है, तो 5 शतांश, शतांश में 100वां हिस्सा, 2 + 10वां हिस्सा, दशांश मतलब 10वां हिस्सा, 1/10 हो गया, और 5 शतांश है, 100वां हिस्सा, 5/100, 2 + 1/10 + 5/100, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 + एलसीएम लो 100, ये आगे 10 यहाँ से, और 100 × 100, 1 को 5 से गुणा करेंगे, ये आ गया 2 + 15/100, 5 × 3 = 15, 5 × 10 = 0, 2 + 3/20। अब ये जब दोनों को इकट्ठा करते हैं तो ये प्लस का साइन हट जाता है,
टू होल टू अपॉन थ्री अपॉन ट्वेंटी। अब 20 को 2 से गुणा करेंगे 40, 3 जोड़ेंगे 43 अपॉन 20, इसका आंसर आ जाएगा। अब है 7.010, 7 इकाई प्लस 0 दशांश प्लस 1 शतांश प्लस 0 सहस्रांश। 7 इकाई का 7 ही रहेगा, 0/10, 1/100, 0/1000। अब 7 का तो 7 ही रहेगा, 0 के 10 से भाग करोगे 0 को तो 0 आएगा, 1/100, और फिर यहाँ 0 को 1000 से भाग करोगे तो 0 ही आएगा। 0 को किसी नंबर से भाग करो 0 ही आता है। अब 2 नंबर बचे हमारे पास, 0 को किसी में जोड़ोगे तो वही नंबर आएगा, जैसे 7 में 0 जोड़ा तो 7 आएगा, 1/100 में 0 को जोड़ा तो 1/100 आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हमें जोड़ना है। एक तो तरीका एलसीएम लेने का है, वो मुश्किल पड़ता है, बस प्लस का साइन हटा दो। 7 होल 1/100, 701/100। अब ये है 10.10। तो इसमें जीरो डेसिमल से पहले इकाई होता है, ये दहाई होता है, तो 1 दहाई प्लस 0 इकाई प्लस 1 दशांश, 1 दशांश प्लस 0 शतांश। तो 1 दहाई 10 हो गया, 0 इकाई 0, 1/10 दशांश है ये, और 0/100, 10 में 0 को जोड़ोगे 10 आएगा, 1/10, और 0 को 100 से भाग करोगे तो क्या आता, साइड में चाहे लिख लो, 0 को 100 से भाग करने पे 0 ही आता है। अब इन दोनों को जोड़ना है हमें, ये प्लस का साइन बीच में से हट जाएगा, 10 होल 1/10, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, और एक जोड़ोगे 101/10, 10 को 10 से जोड़ो 100 आ गया, एक इसमें ये जोड़ दो 101 हो गया, नीचे 10 है तो नीचे 10 रहेगा। अब है 6.0015, ये 0 तो छोड़ दो, डेसिमल वही 0 दशांश हो गया प्लस 1 शतांश प्लस 5 सहस्रांश। तो 0 दशांश 0/10, 1 शतांश 1/100, 5 सहस्रांश 5/1000। अंश, अंश का मतलब नीचे आएगा वो नंबर, 0 को 10 से भाग करोगे 0, 1/100 प्लस 5/1000। अब 0 को तो जोड़ के हट जाएगा, बस ये दोनों बचेंगे, 1/100 प्लस 5/1000, 1000 एलसीएम हो गया, 1000 को 100 से भाग 10 आएगा, 10 को 1 से गुणा करोगे 10, ये 5 आ गया। अब ये हो गया 15/1000, 5 3 15, 5 2 10, 5 0 0, 3/200, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं इसका 7th पार्ट, 1.05। तो ये 1 इकाई हो गया प्लस 0 दशांश प्लस 5 शतांश, 1 इकाई का तो 1 रहेगा, 0 दशांश है 0/10, 5 शतांश है 5/100, 1 प्लस 0 तो 0 रहेगा प्लस 5/100। अब 0 को जिसमें भी गुणा करोगे वही नंबर आता है, एक नंबर एक में 0 गुणा करोगे, एक में 0 को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 5/100। जब दोनों को जोड़ते हैं तो ये प्लस का साइन हट जाता है, 1 को यहाँ लिखा 5/100, यहाँ भी काट सकते हो इसको,
वैसे यहाँ काटना था, यहाँ काटना रह गया, तो मैं अब यहाँ काट रही हूँ। अब एक से ही एक बटा बीस हो गया, बीस से कम बीस हो रही, 21/20 आंसर आ गया इसका। अब करते हैं इसका आठवां पार्ट, 2.25। डेसिमल से पहले इकाई होता है, तो 2 इकाई + 2, ये डेसिमल के बाद 2 है, 2.5 = 7। 2 इकाई को तो 2 ही लिखेंगे, इकाई का मतलब 1 होता है, 2 की 1 से गुणा होके 2 आ जाएगा। ये दशांश 10वां हिस्सा, 2/10, 5 शतांश 5 का 100वां हिस्सा, ये हो गया। अब 2 को अलग कर लो, ये आसान रहेगा करना तुम्हारे लिए, इन दोनों को एक ब्रैकेट में करके सॉल्व कर लो, ये हो गया 2+, ये 100। अब ये 100 को 10 से भाग करोगे, 10 × 20, 100 × 100, 1 को 5 से करोगे, 5 आ गया। 2+25/100। अब यहाँ काटो 5, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 0 = 0, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 2+1/4। अब जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस साइन हट जाएगा, 2 होल 1/4, तो 4 × 2 = 8 और 1 = 9, 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में निरूपित कीजिए। इसके 4 पार्ट हैं, ये 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट हो गए, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट है 2.25, क्या लिखेंगे, डेसिमल से पहले 2 है, तो 2 इकाई, प्लस डेसिमल के बाद 2 है, 2 दशांश, प्लस 5 शतांश, 2 इकाई का मतलब 2 रह गया, 2 दशांश 10वां हिस्सा अपॉन 10, 5 शतांश है, 5/100, 2+2/10 प्लस 5/100, सॉरी ये हो गया 2+, ये 100। अब 100 को 10 से भाग करोगे, 10 आएगा, 20+5, 2+25/100, 25 × 25, 25 × 100, ये 2+1/4 हो गया, प्लस का साइन हटाओगे, 2 होल 1/4, 9/4। फर्स्ट का आठवां पार्ट और सेकंड का फर्स्ट पार्ट दोनों सेम है। अब है इसका सेकंड पार्ट, 10.5, डेसिमल से पहले 0 और उससे पहले 1, ये वाला इकाई हो गया, ये वाला दहाई हो गया, तो 1 दहाई + 0 इकाई प्लस ये 5 डेसिमल के बाद है, तो 5 दशांश 10वां हिस्सा, 1 दहाई, तो 1 को 10 से गुणा करो, 10 आ जाएगा, 0 इकाई 0 ही रहेगा, और 5 दशांश 5/10, 10+5/10, ये दोनों को काटेंगे, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 10+1/2। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, एलसीएम भी ले सकते हैं, आसान तरीका है, बीच का प्लस हटा दो, 10 सही 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 2 = 20 और 1 = 21, 21/2 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड है 8.625, डेसिमल से पहले 8 है, 8 इकाई प्लस डेसिमल के बाद 6 है, 6 दशांश, फिर 2 आ गया, 2 शतांश, फिर 5 आया, 5 सहस्रांश, तो 8 इकाई 8 आ गया, 6 दशांश 10वां हिस्सा, 2 शतांश 100वां हिस्सा, 100 लिख देंगे, 5 सहस्रांश 1000वां हिस्सा। अब ये सारे 8 को अलग कर देंगे, इन तीनों को एक ब्रैकेट में सॉल्व कर देंगे, प्लस 5/1000, ये 8 प्लस
इसको ये कटिंग मत करना ऊपर नीचे, उससे थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाएगा। इससे आसान है करना, 1000 को 10 से भागेंगे 100 आता है 100 छः 600 100 को 1000 से करेंगे 10 आएगा 10 दूनी 20 1000 को 1000 से करा 1 आया 5 कम 5 तो ये हो गया 8 + 625 / 1000। अब इसको इन दोनों को 5 से काटो या 25 से काटो, अगर 25 का टेबल आता है तो वैसे 5 से काटते हैं 5 × 5 = 5×2 = 10 / 25 इधर काटो 5 × 2 = 10 5000 फिर काटो 5 × 2 = 10 / 25 यहाँ काटो 5 × 20 आपको भी ऐसे काटना है सफाई से 5 × 5 = 25 5 × 8 = 40। अब ये क्या आया, 8 ऊपर आया प्लस यहाँ से आया 5/8 5/8। अब क्या करेंगे, प्लस हटा देंगे दोनों को जोड़ेंगे 8 × 5 = 8 8 × 64 = 5 69/8 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है, आखिरी पार्ट 16.375। जिस जिस बच्चे को आज का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है वो सभी बच्चे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कैसा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा आपको। देखो अब 16 डेसिमल से पहले 6 तो 6 का ही हो गया, इससे पहले 1 है तो 1 दहाई हो गया, 1 दहाई प्लस 6 इकाई प्लस डेसिमल बाद 3 है तो 3 दशांश प्लस 7 शतांश प्लस 5 सहस्रांश। अब 1 दहाई का मतलब हो गया 10, 6 इकाई का मतलब हो गया 6, 1 दहाई का मतलब 1 को 10 से गुणा करना है तो 16 है ना, तो ये भी 16 आ जाएगा प्लस 3/10 प्लस 7/100 शतांश है और 5/1000। अब 10 और 6 हो गया 16 और इन तीन ये 1000, इन तीनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे हम, 3/10 प्लस 7/100 प्लस 5/1000 यह आ गया 16 प्लस। अब देखो आप एलसीएम के नीचे एलसीएम लिया करो हमेशा, तुम लोग यहाँ लिखते हो एलसीएम यहाँ लेते हो तो उसके वो गलत लगता है, उसके मार्क्स भी कट सकते हैं आपके। जैसे यहाँ पे एलसीएम लिया उसी के नीचे आप एलसीएम लोगे तो इन तीनों का एलसीएम 1000 होगा, 1000 को 10 से करेंगे 100 आएगा 100 × 3 300 1000 को 100 से करेंगे 10 आएगा 10 × 70 1000 को 1000 से करेंगे 1 आएगा 1 × 5 ये हो गया 16 प्लस। जो बीच की लाइन है ये लाइन के साथ आनी चाहिए 375 / 1000। कटिंग करते हैं 5 × 7 = 35 दो बच्चे 5 × 5 = 25 5 × 2 = 10 5 × 0 = 5 5 × 5 = 2 5 × 5 = 25 यहाँ 5 × 20 = 5 × 0 यहाँ 5 × 3 = 15 ये 5 × 8 = 40 16 + 3/8। अब दो नंबर को जोड़ना है तो क्या करना होगा, हमें प्लस का साइन हटा देंगे। अब इन दोनों को गुणा करेंगे 16 को 8 से 128 आएगा 3 जोड़ेंगे 131/8 ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म होती है, अब बस इसकी लास्ट एक्सरसाइज बची है दक्षता, वो कल करेंगे। सभी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं जी, जिसको समझ में आ रहा है वो सब कमेंट करो। ओके थैंक यू।